फ्रेंड्स, मेरी एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा व्हाट एवर, व्हाटसो एवर, व्हेन एवर, व्हेनसो एवर, व्हेयर एवर, व्हेयरसो एवर, हूएवर, हूसो एवर, व्होमएवर, व्होमसो एवर और हाउएवर क्या है। तो आइए फ्रेंड्स, उनके कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। आइए सबसे पहले व्हाट एवर और व्हाटसो एवर के बारे में जानें। व्हाट एवर का मतलब होता है जो कुछ और व्हाटसो एवर का मतलब होता है जो कुछ भी, यानी जब आप जो कुछ पर जोर देते हैं, एम्फेसाइज करते हैं, तो आप व्हाट एवर की जगह पर व्हाटसो एवर बोलते हैं। और यहाँ पर इसका मतलब होता है जो कुछ भी, जैसे जो कुछ आपको जरूरत है ले लो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे टेक व्हाट एवर यू नीड। लेकिन अगर आपको कहना हो कि जो कुछ भी आपको जरूरत है ले लो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे टेक व्हाटसो एवर यू नीड। तो फ्रेंड्स, आपने सीखा कि व्हाट एवर का मतलब जो कुछ, व्हाटसो एवर का मतलब जो कुछ भी। आइए अब सीखे कि व्हेन एवर और व्हेनसो एवर को कैसे इस्तेमाल करना है। व्हेन एवर जब कभी, व्हेनसो एवर जब कभी भी, जैसे जब कभी आप जाना चाहें आप जा सकते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू कैन गो व्हेन एवर यू वॉन्ट। जब कभी भी आप जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू कैन गो व्हेनसो एवर यू वॉन्ट। जब कभी आप यहाँ ठहरना चाहें ठहर सकते हैं, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू कैन स्टे व्हेन एवर यू वॉन्ट। व्हेयरसो एवर जहाँ कहीं भी, जैसे आप जहाँ कहीं रहना चाहते हैं रह सकते हैं, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू कैन लीव व्हेयरएवर यू वॉन्ट। लेकिन अगर आपको कहना हो कि आप जहाँ कहीं भी रहना चाहते हैं आप रह सकते हैं, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू कैन लीव व्हेयरसोएवर यू वॉन्ट। हूएवर यानी जो कोई, हूसोएवर जो कोई भी, जैसे जो कोई आया है उसे अंदर भेजो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे हूएवर हैज कम सेंड हिम इनसाइड, यानी जो कोई भी आया है उसे अंदर भेजो। लेकिन अगर आपको कहना हो कि जो कोई भी आया है उसे अंदर भेजो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे हूसोएवर हैज कम सेंड हिम इनसाइड। आइए फ्रेंड देखें कि हूएवर क्या है। होम एवर का मतलब होता है जिस किसी ने, और होम सो एवर का मतलब होता है जिस किसी ने भी, जैसे आप जिस किसी के साथ काम करना चाहते हैं कर सकते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू कैन वर्क विद होम एवर यू वॉन्ट। यानी आप जिस किसी के साथ काम करना चाहते हैं कर सकते हैं, आप जिस किसी के साथ भी काम करना चाहते हैं कर सकते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू कैन वर्क विद होम सो एवर यू वॉन्ट। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि होम एवर का मतलब जिस किसी के साथ और So ever का मतलब जिस किसी के साथ भी। आइए फ्रेंड्स, अब अगला वर्ड देखते हैं। विच एवर का मतलब होता है जो कुछ, और विच सो एवर जो कुछ भी, और इन दोनों वर्ड्स का इस्तेमाल हम नॉन लिविंग नाउन के साथ करते हैं, जैसे जो कुछ तुमको खाना है खा लो, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ईट विच एवर यू वॉन्ट। जो कुछ तुमको लेना है ले लो, टेक विच एवर यू वॉन्ट। अगर आपको कहना हो कि जो कुछ भी तुम खाना चाहते हो खा सकते हो, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ईट विच सो एवर यू वॉन्ट। आइए फ्रेंड देखें कि हाउ एवर क्या है। हाउ एवर का मतलब होता है कैसे भी, फिर भी या तो भी, जैसे कैसे भी मुझे यह काम पूरा करना है, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे हाउ एवर आई हैव टू फिनिश दिस वर्क। कैसे भी मुझे वहां पहुंचना है, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे हाउ एवर आई हैव टू रीच देयर। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि जब आपको कहना हो कैसे भी, फिर भी या तो भी, तो आप कहेंगे हाउ एवर। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपको यह लेसन समझ में आया, तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। सिर्फ दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।